हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आपसे एक इंसान को मिलाते हैं। ये इंसान है पाकिस्तान से, नाम है इसका जैद हमीद। आपने शायद कहीं देखा ही नहीं होगा इससे अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति। मुझे तो लगता है दुनिया में सिर्फ यही एक ही इंसान है पाकिस्तान में जो टैलेंटेड है, मतलब पूरा पाकिस्तान में से ही पूरा दुनिया में इससे टैलेंटेड व्यक्ति कोई है नहीं। मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ वो आपको तो वीडियो देखने के बाद पता, पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। इसको कहना क्या है, जो इसरो ने चंद्रयान 3 जो सही तरीके से लैंड किया, सक्सेसफुल तरीके से लैंड किया, इसको कहना क्या है, ये पूरा फेक है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये क्या किया इंडिया ने क्या किया, पूरा पूरा वर्ल्ड को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वीडियो गेम से एडिट करके दिखाया है। और मैं क्या बोलूँ, क्या हंसू, क्या रो, क्या बोलूँ इसको बारे में। पूरा पूरा जो जो देखा है जो इसरो ने, पूरा फेक है ये, पूरा सिर्फ वीडियो गेम का काट पीट के दर्द से काट पीट के लगाया और दिखाया दुनिया को। ना कुछ नासा ने कुछ बोला, ना कुछ और इस और देश ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। सिर्फ सबको इंडिया ने बेवकूफ़ बना दिया। और ये किसी को नहीं पता चला, सिर्फ इसको पता चल गया जो ये पूरा फेक है। चलो देखते और क्या कुछ बोला, ठीक है, और मिलते वीडियो के लास्ट में। और आप भी बताओ कभी, और वीडियो के बाद देखने के बाद अभी बताना जे ये मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति है कि नहीं वर्ल्ड में, और आपने कहीं देखा कि ये ऐसा और कोई व्यक्ति, ठीक है। और मिलते वीडियो के लास्ट में, बाय। अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदास ही होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो, एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। यूसी, मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पर करूँ, लेकिन इस दफा भारत की मैंने की है। अच्छा। बात दी है, क्या कहा आपने उनको? यूसी, उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली? चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? सी, द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे अच्छा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। They have a powerful media, so they can get away with that. तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है, दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है, इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए है। और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, और जोर जोर से बोलो। जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाज़रीन ज़ैद साहब यही कहेंगे कि ज़ैद साहब तो बस अब मुखालिफत ब्राय मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल, चले 1 in a million हम मान लेते हैं ये चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मयसर नहीं है,
पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में, मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की जिंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, एजुकेटेड एंड वेल्दी इंडियंस आर लीविंग नेशनैलिटी ऑफ इंडिया एंड दे आर गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, बिकॉज इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत की भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए, ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पे बैठकर पूप करते हैं रोज सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट हवा निकल गई इंडस्ट्री थी, उसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। हम, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू सेंड अ रॉकेट इनटू स्पेस। इवन वी वर अहेड ऑफ चाइना, वी वर अहेड ऑफ चाइना, साउथ कोरिया और चाइना। पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है। आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री। लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वो अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है। वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है। अब आए ना लाइन पे, लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं? अभी मुझे इस पे डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचू बड़ा करने के लिए एक डिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं दुनिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। हमें किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, इवन अमेरिकन ने भी कहा कि F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्र दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। क्या बोला तूने? सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, उनको मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा।